इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुखी जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इन चीजों से हम लोग इतने रूबरू हुए हैं, विक्रमवंश में इतनी समस्याएं हैं कि हम लोग सोचते रहते हैं कि इन समस्याओं को कैसे दूर करें, लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे। तो उनको शहर से कट के रहना या काट के रहना या लोगों ने उनको काट के रखा, ये इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके इन समस्या विक्रमगंज नगर परिषद से मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हूँ। मैं नगरवासियों को सम्मान नमस्कार करता हूँ। आज का चुनाव पहली बार ऐसा है कि बिहार में नगर परिषद का चुनाव आम जनता के द्वारा चुना होने जा रहा है, जिसमें आम जनता अपने सभापति, उपसभापति और वार्ड को खुद मत दे करके चुनेगी। मैं नगर परिषद के सभी नगरवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये चुनाव आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज तक आपके मूलभूत सुविधाओं को देखने और सुनने वाला अभी तक मुझे जहाँ तक पता है, शायद उस समस्याओं से मैं भी रूबरू हूँ, सारी समस्याएं मुंह बागे खड़ी हुई, किसी ने आज तक उस पर ना ध्यान दिया है ना उसको पूरा करने की कोशिश की। मैं अभी नगर परिषद के चुनाव में इसलिए भी हूँ कि मैं भी भुक्तभोगी हूँ आप लोगों की तरह। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं भी आप जैसे एक आम आदमी हूँ, जो एक बंदा नौकरी करता है, घर आता है, काम करता है और सुखी जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। लेकिन इन चीज़ों से हम लोग इतने रूबरू हुए हैं, विक्रमगंज में इतनी समस्याएं हैं कि हम लोग सोचते रहते हैं कि इन समस्याओं को कैसे दूर करें। अक्सर हम लोग सोचते थे, हम लोग आपस में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, जितने सगे संबंधी हैं, कि विक्रमगंज में इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, कोई सुनता नहीं है। हम लोग सोचते थे पहले कि एक सिविल सोसाइटी बना करके इनके ऊपर नकल कसा जाए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आई, जैसे आपका पीछे कोरोना आया, उसमें भी हम लोग कोरोना में फंस गए, इस चीज़ को नहीं कर पाए। लेकिन अभी एक मौका है कि इस चुनाव में कोई भी एक आम बंदा स्वतंत्र रूप से इसमें आ सकता है लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं ये भी अपील करूँगा कि वैसे लोग जो सोचते हैं कि मैं नगर परिषद के लिए कुछ करूँ, अब तो मौका नहीं है नामांकन करने का, लेकिन ये जो भीड़ है, जो लोग पहले से नगर परिषद के अंदर हैं, नगर परिषद के लिए परफॉर्म किया, नगर परिषद के लिए काम किया, वो काम इतना कैसा रहा ये सारे नगर परिषद के लोगों को, नगर परिषद के लोगों को मालूम है। हर आदमी के पास समस्या है, किसी भी आदमी के समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ, ना नली गली ठीक से बनी, ना यातायात सुविधा ठीक हुआ, ना हमारे जो यातायात को सुचारू ढंग से चला सके। तो एक यातायात पुलिस, डिस्ट्रिक्ट यातायात पुलिस जो है उससे कोऑर्डिनेशन करके एक ट्रेन यातायात पुलिस का यहाँ पर व्यवस्था करना, जो शहर के लिए कारगर हो, उसकी हम लोग व्यवस्था कराएंगे। विक्रमगंज जब से नगर पंचायत में आया और नगर पंचायत में के बाद ये नगर परिषद हो गया, हमारे विक्रमगंज के बगल में एक सिकरिया गांव है, वहाँ के लोग आज भी शहर से कटे हुए हैं। उनको आज भी विक्रमगंज आने के लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और अभी वो भी एक सक्रिय, मतलब एक गाड़ी चली जाए दूसरी गाड़ी अगर इधर से आ रही है तो मान चलिए कि वो निकल नहीं पाएंगे। तो उनको शहर से कट के रहना या काट के रहना या लोगों ने उनको काट के रखा, ये इसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उनके इन समस्या को दूर करने के लिए नगर विकास विभाग से कोऑर्डिनेशन कर करके एक पथ और काव नदी पर पुल, जो भी उचित हो सकता है, और उस और जो ज़मीन है, जो ज़मीन चाहिए रोड को बनाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसको पूरा करना, ये भी हमारे मुख्य कार्य में शामिल रहेगा। और इसके साथ साथ धनगाई में एक तालाब है, वो बहुत खूबसूरत प्लेस हो सकता है विक्रमगंज के लिए, वहाँ पर लोगों के और टहलने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस हो सकता है, बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए, उस तालाब का सौंदर्यीकरण करना,
धनगाई गांव में लोगों से पता चला कि यहाँ पर एक सौदागिरी की बहुत अति आवश्यकता है। ये सौदागिरी का बनाना भी जैसे कि नगर परिषद का मुख्य कार्य साफ सफाई है, सीवरेज का व्यवस्था करना है, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, यातायात नियम को ठीक करना है, नली गली बनाना है, नए कॉलोनी में नली और गली और सड़क का निर्माण करना है, उसी तरह से सौदागिरी का भी एक मुख्य कार्य में आता है। तो इसको नगर परिषद या फिर जिला परिषद जिसका भी जमीन हो डीएम के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक सौदागिरी का निर्माण करना, ये भी हमारे एजेंडे में शामिल रहेगा, क्योंकि ये मूलभूत समस्या सुविधा में से आता है। ये तो नगर का मूल वर्क हो गया, लेकिन नगर का कुछ ऐच्छिक कार्य जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़े, यहाँ कम से कम 18 से 20 स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के अंदर है, प्राइमरी सेकेंडरी और अपर, तो उन स्कूल में एजुकेशन को एक क्वालिटी एजुकेशन के रूप में